All can hear me. Okay. So in the last class, we started with the dot product. Dot product of two vectors. So what was dot product? A dot B was AB. Cos theta, right? There were two ways to find the dot product of the two vectors. A dot B was A B cos theta. So before everyone joins, because we will not be waiting for so long, let us start doing the questions from this dot product. Yes, we have this question. So today we will complete this dot product and we have to also start the cross product. So whoever will be done with this, they will just ping me in the chat. जिनका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट देखो इसमें यू हैव टू शो दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर So here you have to show that they are mutually perpendicular. Means, perpendicular to So you have to just check the dot product. A dot B, B dot C, or A dot C. Their dot product will be zero because we saw in the last class if the vectors are mutually perpendicular, then their dot products will be zero.

डॉट विथ आई प्लस जे प्लस फाइव के ये क्या है यह है ए डॉट बी सो यू मल्टीप्लाई दुगेदर माइनस टू इंटूनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री वन इंटू फाइव प्लस फाइव सो यू गेट दैंसल्ड एंड जीरो सब जीरो आ रहा है

So whoever has done, they will quickly message me. Quickly, all will do. Any doubts? You have to ask me that as well. It is said AB vector is perpendicular to CD vector, you have to show. So, point A is having the coordinate 2, 1, 1. B is having the point 3, 3, minus 1. So, what will be AB vector? 3, minus 2. That is. 1 i cap plus 3 minus 1 plus minus 1 minus 1. So you have to do final minus initial to get AB vector. So if you want to determine the vector with the endpoints given as x1, y1, and z1.

ज इट क्लियर आदर्श लेट मी नो हाउ टू बी फाइंड सी डी वेक्टर लेट मी नो द फाइनल वैल्यू ऑफ सी डी वेक्टर आदर्श विल टेलर की सी डी वेक्टर क्या होगा सी डी वेक्टर वॉट इज द पॉइंट फाइव माइनस थ्री बाई टू एंड देन जीरो डी का पॉइंट क्या है फोर वन टू नाउ फाइंड आउट सी डी वेक्टर आदर्श लेट मी नो वॉट वैल्यू यू गेट फॉर सी डी वेक्टर माइनस थ्री बाई टू ये ऑलरेडी माइनस है इट्स लाइक वन माइनस माइनस थ्री बाई टू ये क्या होगा वन प्लस थ्री बाई टू सो इट विल बी फाइव बाई टू जे कैप

So, AB vector, what it is? I plus 2j minus 2k cap dot with CD vector that is minus i cap here plus 5 by 2j cap and then plus 2k cap. So, if you multiply the coefficients 1 into minus 1, that is minus 1, 2 into 5 by 2, that is 5. माइनस टू इंटू टू दैट इज माइनस फोर सो हियर यू सी दैट दे आर अगेन कैंसलिंग आउट टू गेट जीरो वैल्यू डॉट प्रोडक्ट इज जीरो सो हेन्स प्रूफ वी हैव शोन दिस बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मुझे सभी बता दो ये समझ में आ रहा है सभी को भाई लोग जल्दी बता दो सभी को समझ में आया कोई डाउट्स है यू ऑल कैन मी यू कैन अनम्यूट एंड मी गाइस कोई डाउट है फोर केम वी मल्टीप्लाइड द कोफिशियंट डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वी मल्टीप्लाईड द कोफिशियंट वन इंटूट है ना चलो सो ऑल विल ज्वाइन नाउ द क्विज बिकॉज वी हैवेंट प्लेड द क्विज फ्रॉम वेक्टर्स नाउ वी आर इन अ वी हैव कंप्लीटेड गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स इन दिस तो जल्दी से क्विज खेलते हैं एंड इसके क्वेश्चन करते हैं तो so, जल्दी से सभी ज्वाइन करेंगे पेन थ्री नाइन फाइव एट वन सेवन जीरो लास्ट ट्वेंटी सेकेंड्स गाइज वी विल स्टार्ट नाउ जिनको ज्वाइन करना है ऑल शुड ज्वाइन गाइज All right, guys, let us start. Whoever has not joined, they can message me in the chat. So, you have to read the following question carefully and then answer. Component of a vector along any other direction is it always less than its magnitude, greater than its magnitude, equal to its magnitude, or none of the above?

तो दोनों का वैल्यूज अगर हम निकालेंगे तो ये जो वैल्यूज होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दिस टेन न्यूटन हाउ डू वी नो दैट एक तो हम वैल्यूज यहां पे रख के निकाल सकते हैं और दूसरा दीज टू कॉम्पोनेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म दिस वैक्टर राइट तो जब दोनों कंबाइन होके ये वैक्टर बना रहे हैं दैट मीन्स दीज टू शुड बी लेस देन देर कंबाइंड फॉर राइट ए शुड बी लेस देन ए प्लस बी ये तो नॉर्मल मैथामेटिक्स है बी शुड बी ऑल्सो लेस देन ए प्लस बी एवरी वन अंडरस्टूड दिस वन वाई इट विल बी ऑलवेज लेस देस मैग्निट्यूड गाइज इसको अच्छे समझना है इस वीक वेक्टर्स का टेस्ट लेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज गुड एवरी वन जल्दी जल्दी करते हैं सारे वेक्टर के क्वेश्चन आज करेंगे जो हमने कंप्लीट कर लिया है वेक्टर इज एडेड टू एन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर ऑफ सिमिलर नेचर फॉर्म्स अ यूनिट पोजिशन नल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेरी सिंपल गाइज वेरी गुड एवरी वन दिस विल बी नल वैक्टर कोई भी एक वैक्टर को अगर हम एड करते हैं उसके अपोजिट वैक्टर तो वो माइनस ए वैक्टर दोनों को एड करो क्या होगा जीरो वैक्टर वी कॉल इट एज नल वैक्टर नेक्स्ट वन जल्दी करेंगे सभी कोई द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट बट देर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन वन प्लेन वेरी गुड एवरी वन नॉन कोप्लैनर लाइन्स ऑफ एक्शन जैसे कि ये दो फोर्स लें दीज आर कोप्लेनर बिकॉज़ इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया ये लाइन इसका लाइन ऑफ एक्शन इट विल अलोंग दिस लाइन सो दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट तो ये प्लेनर हो गया बट हियर इट सेज देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर नॉट सेम सो डेफिनेटली इट विल बी नॉन कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस राइट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट हियर सो नेक्स्ट वन वी विल डू Very good, everyone. All of you try to answer it quickly. If possible, you have to answer it within the moment this is started. Unit vector does not have any specified, which one? so here we were talking about the unit vector we know unit vector has fixed direction it has fixed magnitude Kya hota hai magnitude 1 and it does not have any specified unit this we have to remember unit vector means magnitude is 1 and unit vector means that we are talking about the direction

वी हैव डन दिस वन गाइज इसको फिर से करना है अच्छे से

both the vectors are in same direction see two vectors can be either in same direction or in opposite direction or there can be any angle in between the vectors so this is for the maximum case this is for the minimum case so who all have selected see they all are right and next one The minimum number of forces of unequal magnitude whose vector sum can be equal to zero is which of the following? मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ अनईक्वल मैग्नीट्यूड कुछ वेक्टर सम कैन बी इक्वल टू जीरो देखो जब भी अनईक्वल फोर्सेस रहे इक्वल अगर रहे देन ये दो फोर्स मिलके टेन न्यूटन टेन न्यूटन यू कैन सी दे विल कैंसल बिकॉज दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट वी आर टॉकिंग अबाउट अनईक्वल मैग्नीट्यूड तो अनिकवल मैग्नीट्यूड में टू केसेज इट्स नॉट पॉसिबल राइट एनी इज नॉट पॉसिबल थ्री और फोर कैन बी पॉसिबल सो डेफिनेटली वी मस्ट सेलेक्ट थ्री तीन अगर इधर है, देखो, इन इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी बिटवीन, एंड इतना ही अगर मैं एग्जैक्ट अपोजिट ले लू लेटे दिस इज थ्री न्यूटन दिस इज फोर न्यूटन एक्टिंग एट नाइंटी डिग्री तो रिजल्टेंट क्या होगा फाइव न्यूटन बिकॉज नाइंटी डिग्री में गाइज वी ऑल रिमेंबर की नेट क्या होता है उसका स्क्वायर एंड रूट सो इफ यू डू दिस यू विल गेट फाइव और अगर मैं तीसरा वेक्टर ही ले लू माइनस फाइव न्यूटन का दैट मींस फाइव न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट इफेक्ट ऑफ दिस थ्री न्यूटन फोर न्यूटन एंड दिस फाइव न्यूटन विल बी जीरो क्या फोर पॉसिबल है नॉट पॉसिबल सो अगेन मैक्सिमम ऑफ यू सेलेक्टेड एट बट ये इन लोगों को समझ में आया जो थ्री ये थ्री थ्री, थ्री नंबर्स हैं इज इट अंडरस्टूड टू ऑल गाइस चलो कोई डाउट नहीं है मतलब समझ में आ ही गया होगा लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन सो केयरफुली डू दिस What is this magnitude of A, magnitude of B, and angle is 60, then you have to find magnitude of A minus B. वेरी गुड एवरी वन मोस्ट ऑफ यू आर राइट ये देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड तो ए माइनस बी दिस विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सिक्सटी डिग्री ये सभी को आया हाउ डिड आई चेंज दिस इट वॉज एक्चुअली प्लस बट आई मेड इट माइनस Why I made it minus? क्योंकि मुझे ए प्लस बी का मैग्निट्यूड क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वासा सो हाउक चेंज दिस जब मैं बी के जगह माइनस बी रखू तो यहाँ माइनस बी रखा तो देर इज नो चेंज बिकॉज इट इज स्क्वा पर माइनस बी रखा तो ये हो गया सो यू कैन नाउ फाइंड क्या होगा रिजल्ट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वाइनस टू इंटू ए इंटू बी एंड देन ये तो सभी को याद होगा वन बाई टू तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना हुआ रूट फोर प्लस सिक्सटीन माइनस एट दट इज रूट ट्वेल्व वी कैन राइट रूट ट्वेल्व एस फोर इंटू थ्री फोर रूट से बाहर आया तो क्या होगा टू सो आंसर विल बी टू रूट थ्री मैक्सिमम ऑफ यू आर प्रेजेंट एंड दे आर राइट एज वेल वेरी गुड एवरी वन मूविंग टू द नेक्स्ट वन ऑल शुड गिव द आंसर जो नहीं ज्वाइन किए दे शुड सेंड मी इन द चैट so let us do this most of you are not right here what vector must be added to the sum of these two vectors so that the resultant is a unit vector along z-axis guys what is the unit vector along z-axis this is k-cap right unit vector along z-axis is k-cap so what vector must be added let us say

अलोंग जेट एक्सेस क्या है यूनिट वैक्टर अलोंग जेट के कैप बिफोर आई सोल्व गाइस ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है सभी को सभी को क्लियर है ये वाला इक्वेशन यस सो लेट एस सोल्व दिस हमें एक्स वेक्टर निकालना है वी आर आस्ट वॉट वेक्टर तो ये दोनों को हम राइट right साइड में ले जाएंगे नॉर्मल मैथमेटिक्स टू आई माइनस जे राइट गया तो क्या होगा माइनस टू आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस थ्री के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा थ्री आई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस टू जे क्या हो जाएगा प्लस टू जे माइनस टू के क्या हो जाएगा प्लस टू के तो यहां से हमें क्या मिलेगा एक्स वेक्टर इज के कैप अच्छा के कैप बाद में करते हैं टू आई माइनस थ्री आई इज माइनस फाइव आई जे प्लस टू जे क्या हुआ थ्री जे डी जे नहीं थ्री जे के प्लस टू के क्या हुआ थ्री के माइनस थ्री के इज जीरो के तो हमारे पास क्या आया गया आंसर फाइव आई माइन प्लस थ्री जे माइनस फाइव आई प्लस थ्री जे बी इज द आंसर Moving to the next one. राइट सो हियर फा फोर्सेस ऑफ टेन न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन इफ द एंग ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है जैसे यहां पर तीन फोर्स लिया तीनों के बीच में एंगल अगर सेम है द नेट इफेक्ट विल बी जीरो एंगल शुड बी सेम एंड देयर मैग्नेट्यूड शुड बी सेम इट्स जस्ट लाइक एक ब्लॉक है उसको तीन साइड से इक्वल एंगल पे खींच रहे हैं हम विक्वल फोर्स ये ब्लॉक क्या किधर भी मूव करेगा इट विल नॉट मूव तो वैसे ही फाइव फोर्सेस लगा रहे हैं विथ इक्वल एंगल्स इन बिटवीन दम सो ब्लॉक विल अगेन रिमेन स्टेशनरी सो आंसर विल बी जीरो नेट फोर्स क्या होगा Zero. Okay, last question here. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ ए वैक्टर किधर है इधर है ओ बी वेक्टर इज हर एंड ओ सी वेक्टर इज हर तो इन ओ ए और ओसी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा लेटेस्ट से द रेडियस दिया हुआ है आर तो so इसका रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में आर रूट टू right because angle is 90 degree so r square plus r square it will be r root 2 r root 2 and r added here because this vector is also having magnitude r so this plus r will be the answer so let's take r as common you get 1 plus root 2 so b here is the correct one all right good everyone so let us again be back towards the questions from the dot product abhi dot product ke sare complete karenge tab next class mein dot product ke quiz khelenge and then we will start with the cross product sir this sunday test will be there yes yes we will have that sir question will be difficult no एज पर आवर लेवल कर रहे हैं इट प्रोडक्ट भी नहीं है ग्रुप so okay, is... क्या रहेगा पैटर्न वॉट ऑल थिंग फिलहाल अभी ये करते हैं जल्दी से जिनका आंसर निकलेगाट मी नो द आंसर फाइंड एम इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही दिए हुए हैं इट्स गिवेन दैट ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर गिवेन वॉट इज गिवेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर दैट मीन्स इसके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे जीरो सो हाउ डू यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट सबके कोई मल्टीप्लाई करते हैं थ्री इन टू टू दैट इज सिक्स फोर इंटू माइनस वन दट इज माइनस फोर एंड एम इंटू फोर इज फोर एम एंड दिस इज जीरो From here we get 2 plus 4m as 0. So this gives us 4m as minus 2. And finally we get m as minus 2 by 4 or minus 1 by 2. And this is our answer. The value of m. Everyone would have understood this. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्विकली ऑल विल डू दिस टूडे वी शुड फिनिश कंप्लीटली अबाउट द डॉट प्रोडक्ट जल्दी से सभी करेंगे आई कैन सी द आंसर सभी कोई लेट मी नो द आंसर

so you have to find cosine of the angle between them so a dot b that is a b cos theta so a dot b we can easily find by multiplying their coefficients 3 into 1 that is 3 minus 2 into 2 that is minus 4 and then 6 into 2 that is 12 Add this is equal to the magnitude of A. What will be the magnitude of A? Root of 3 square plus 2 square plus 6 square. So this will be root 9 plus 4 plus 36. So that will be 7. Add the magnitude of B. What will it be? Root of

इलेवन बाई ट्वेंटी वन वॉट इज दिस क्वेश्चन इलेवन बाई ट्वेंटी वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट गाइस अगेन वी विल डू लास्ट क्लास पीरियड अब देखते हैं किसको याद है ये

प्रोजेक्ट करना है किधर करना है ऑन बी तो प्रोजेक्शन क्या होगा इसका बी के तरफ दिस क्वेश्चन विल बी ए थीटा सो जस्ट ऑब्जर्व कैन फाइंड ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर कॉस्थीटा जस्ट नाउ यू है प्रीवियस क्वेश्चन सो जस्ट यूज दैट Is it understood the difference between this and this? Yes, sir, clear. Okay. Chalo, chalo, nikalo. भी करेंगे इसको प्रोजेक्शन तो ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस्थीटा वॉट वी हैव टू फाइंड ए कॉस्थीटा तो इसको छोड़ के ये जो बी मल्टीप्लाइड है यू टेक दिस बी हि ए डॉट बी बाई बी इज इक्वल टू ए कॉस्थीटा राइट यही तो निकालना है हमें यू कैन फाइंड आउट ए डॉट बी मल्टीप्लाई द कोफिशेंट फोर इंटू टू एट 1 into minus 1 minus 3 into minus 2 divided by what is the magnitude of B? 3. And this is A cos theta. So the result comes out to be 13 by 3 is the answer. Another question we will do now. सो क्विकली वी विल डू दिस एज द लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं Quickly all will do. Minus one by seven. Yes, we will check. All will do. This is the last one. All should give me the answer in the chat. So, here we have to again find the length of projection AB vector. So, first let us find this AB vector. AB vector kya hoga? 1 minus 2 minus I cap minus 4 minus 3 minus 7 J cap minus 2 minus 0. That will be minus 2 K cap. Same manner we will find CD vector. That will be. Seven minus four that is minus three i zero minus six minus six j and ten minus eight that is minus a plus plus two k cap right so minus four minus three minus four uh, minus of minus three no so yes so correct correct minus exactly one j cap minus one j cap right. एंड माइनस बाकी सब सही है सेवन माइनस फोर जीरो माइनस सिक्स टेन माइनस एट राइट यू हैव टू फाइंड कॉस तो कॉस थीटा क्या होगा दैट विल बी द वेक्टर द डॉट प्रोडक्ट हियर ए बी डॉट सी डी डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड राइट तो डॉट प्रोडक्ट वी कैन इजीली फाइंड सर इट शुड बी प्लस आई कैप सेवन माइनस फोर प्लस थ्री सेवन माइनस फोर प्लस थ्री आई कैप जीरो माइनस सिक्स माइनस सिक्स टेन माइनस एट टू सो हियर वी विल गेट माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस वन इंटू माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस टू इंटू टू माइनस फोर डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट टू स्क्वायर प्लस दैट इज रूट सिक्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट इन प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर तो सेवन आ गया ये मिला क्या सभी को? कोई सेवन रूट सिक्स ऑल राइट सो गाइज वी हैव कवर्ड ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट

ए बी ऑन सी डी सो प्रोजेक्शन विल बी हियर ए बी कॉस्थीटा सो इस कॉस्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दो द मैग्निट्यूड ऑफ ए बी निकल जाएगा हमारा आंसर ओकेल इज आस्ट देन यू हैव टू टेक दिस एंड डू कॉस इनवर्स वन बाय सेवन रूट सिक्स All right, everyone. Bye. See you all in the next class.